स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। नमस्कार, आज आपका फिर स्वागत है एक नई कहानी में। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है श्रापित बंगला। संतोष एक सरकारी स्कूल टीचर था। संतोष का अभी अभी तबादला हुआ था देहरादून एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर। लगभग एक हफ्ते तक संतोष स्कूल के ही एक सरकारी कमरे में ही था, लेकिन संतोष को एक घर की जरूरत थी जहां पर वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ आराम से रह सके। एक दिन संतोष रोज की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते वो टेबल पर रखा आज का अखबार देखने लगा। अखबार में बहुत सारे किराए के लिए घरों के एडवर्टाइजिंग थे। संतोष ने बहुत सारे एड देखे और उसको एक बंगला पसंद भी आ गया, जो देहरादून में उसके स्कूल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड पर था। संतोष ने मन बना लिया था कि हो ना हो अब इसी बंगले को लेना है, क्योंकि बाकी सभी घरों से इसका किराया भी बहुत कम था और एड में जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से घर भी बहुत बड़ा और आलीशान था। और उसके बाद स्कूल जैसे खत्म हुआ, संतोष अपने रूम पर जाकर खाना वगैरह खाकर सबसे पहले उसने उसी अखबार में जो एड था उसमें दिए फोन नंबर पर फोन लगाया। फोन लगाते ही संतोष ने कहा कि सर, आपने अपने बंगले का ऐड दिया था अखबार में, वो मुझे चाहिए किराए के लिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो एक बार और, फिर जब तक आपका मन करे तब तक आप इसमें रह सकते हैं। फिर संतोष ने आज शाम को ही उस बंगले को देखने के लिए कह दिया और शाम को लगभग 4 या 4:30 बजे के करीबन संतोष अपने रूम से निकला और वहां पर जाकर उसने उस मकान मालिक को फोन करके बता दिया। और मकान मालिक ने आकर संतोष को बंगला खोलकर हर जगह से दिखाया और संतोष बंगले में हर तरफ घूम घूम कर देख रहा था और यही सोच रहा था कितना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में मिल गया। सच में बंगला बहुत बड़ा और बहुत आलीशान था। फिर उसके बाद संतोष ने मकान मालिक से कहा, सर यह बंगला कितने दिनों से खाली है? फिर मकान मालिक ने कहा, यह लगभग 8 साल से खाली पड़ा है। संतोष ने कहा, यह तो शहर में इतना बढ़िया घर है और रेट भी बहुत अच्छा है, फिर क्यों खाली है? फिर मकान मालिक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सबका अपना अपना मानना है शुभ अशुभ, और इसके अलावा ज्यादा कुछ बताया नहीं। मकान मालिक ने उसके बाद संतोष ने किराए वगैरह की सारी बात करी और 2 से 3 दिन के अंदर यहां अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने को कहा। उसके बाद संतोष ने रूम पर पहुंचते ही उसने अपने वाइफ को फोन में सारी बात बता दी कि एक बंगला देख लिया है, अब यहीं पर आ जाओ। संतोष की वाइफ भी बहुत खुश थी और अगले दिन ही वो भी नैनीताल से देहरादून आ गई। संतोष की वाइफ और उसकी एक छोटी बच्ची दोनों बहुत खुश थे और संतोष भी उस दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं गया था। संतोष ने अपनी वाइफ को बताया कि उसने जो बंगला देखा है वो बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है, वहां हमें और कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, घर के काम की सारी चीजें हैं वहां पर, इसलिए बस हमें सीधा वहां सिर्फ जाना ही है। फिर उसकी वाइफ ने कहा, चलो फिर अब कब चलोगे? संतोष ने हंसते हुए कहा, हां हां अभी मैं टैक्सी बुक कर रहा हूं, फिर हम तीनों उस बंगले में चले जाएंगे। उसके बाद संतोष ने टैक्सी बुक करी और थोड़ी देर में टैक्सी वाला टैक्सी लेकर आ गया। संतोष ने टैक्सी वाले को एड्रेस बताया और वो और उसकी वाइफ और उसकी बच्ची तीनों टैक्सी में अपना सामान वगैरह लेकर बैठ गए। संतोष टैक्सी वाले के साथ आगे ही बैठा हुआ था। संतोष ने कहा कि आप यहीं के रहने वाले हो? फिर टैक्सी वालों ने कहा, मेरा नाम गुड्डू है और सर मैं रहने वाला तो यूपी का हूं, पर कई सालों से यहां रहता हूं और टैक्सी चलाता हूं। टैक्सी वाले ने बात ही बात में पूछा कि आप उधर कहां जा रहे हो? फिर संतोष ने कहा, राजपुर रोड साल जंगल के पास एक बंगला है जिसे मैंने किराए पर लिया है, अब हम वहीं पर रहेंगे। टैक्सी वाला शायद तुरंत समझ गया। फिर उसने कहा, मनोज प्रसाद जी का बंगला है जो राजपुर रोड साल जंगल के पास है। फिर संतोष ने कहा, हाँ आप जानते हो क्या? उसके बाद टैक्सी वाले ने बड़ी हैरानी भरी नजरों से संतोष को देखा और कहा, सर आपको किसने आइडिया दिया कि आप उस बंगले को किराए पर लो? उस टैक्सी वाले की बात सुनकर संतोष ने कहा, क्यों किसी ने नहीं, मैंने अखबार में उसका एड देखा था। टैक्सी ड्राइवर मानो उस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने गाड़ी धीरे करी और कहा, सर आप कहीं और देख लो, वो बंगला सही नहीं है, क्योंकि वहां तभी तो कोई नहीं रहता, 1 साल से ज्यादा हो गया वो बंगला इसीलिए खाली है, कहते हैं कि वहां रहने वाले इंसान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। संतोष ने टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की सारी बात सुनी और कहा, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता, इतना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में कैसे छोड़ दूं? उसके बाद टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलने ही जा रहा था कि संतोष ने उसकी बात बीच में ही काट दी और संतोष ने कहा, तुम चुप हो जाओ। गुड्डू की सारी बात सुनकर संतोष की वाइफ ने थोड़ा घबराते और डरते हुए कहा, पर ऐसा क्या है,
उस बंगले में क्यों होता है ऐसा? फिर गुड्डू ने कहा, मैडम यह तो पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, लेकिन शायद कोई श्राप मिला हुआ है उस बंगले को, क्योंकि अब तक न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। वहां पर किसी की भी मौत होती है तो पुलिस जांच के बाद कुछ दिन, साल या 6 महीने, उस बंगले का मालिक उस बंगले को बंद रखता है, फिर दोबारा कुछ दिनों बाद उसको किराए पर दे देता है। लेकिन यह तो सच है कि कोई भी वहां जाता है तो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। बहुत किस्मत वाला होता है जो वहां से जिंदा वापस चला आता है, वरना जो वहां शिफ्ट होता है उसका मरना तो तय है। यह सब बातें सुनकर संतोष की वाइफ बहुत डर गई थी और उसने कहा, संतोष हम कहीं और घर देख लेते हैं, आज वापस उसी तुम्हारे रूम पर चलते हैं। लेकिन संतोष को शायद इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा स्कूल टीचर आज के ख्यालों का था, इसलिए संतोष ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है प्रीति, तुम भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेती हो। और फिर उसने गुड्डू की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, और क्या बात है ड्राइवर साहब, तुम कहानियां बड़ी अच्छी बना लेते हो। संतोष ने अपनी वाइफ को कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहां पर 2 दिन से लगातार जा रहा हूं, कल जाकर हमने साफ सफाई भी करवाई थी, बहुत अच्छा बंगला है, इसलिए इन सब फालतू की बातों पर कोई ध्यान मत दो, और तुम ड्राइवर भाई बस तुम गाड़ी चलाओ और हमें उस बंगले पर जाकर उतार दो। फिर ड्राइवर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और थोड़ी देर में वो सब लोग उस बंगले के पास पहुंच गए। बंगला साल जंगल के थोड़ा अंदर की तरफ था। वहां पहुंचते ही गुड्डू ने टैक्सी रोकी और उन लोगों का सम्मान वगैरह उतरा कर रखवा कर वो चला गया, और उसके बाद संतोष अपनी वाइफ अपनी बच्ची नेहा के साथ उस बंगले के अंदर चला गया। और संतोष अपनी वाइफ को दिखा रहा था, कह रहा था, देखो कितना अच्छा और कितना बड़ा बंगला है, ये नजारा भी कितना अच्छा लग रहा है। पर संतोष की वाइफ थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसे भी बंगला बहुत पसंद आ रहा था, और बंगले के चारों तरफ जो हरा भरा नजारा लग रहा था वो प्रीति को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर प्रीति ने संतोष से कहा, बंगला तो सच में बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है, लेकिन सामने जंगल देखने में भी बड़ा खतरनाक लग रहा था, इसलिए उसने संतोष से कहा, एक तो यह जंगल बहुत बड़ा और भयानक सा है, और दूसरा वो जो ड्राइवर बता रहा था मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ। संतोष ने फिर उसे समझाने की कोशिश करी, यार तुम समझती क्यों नहीं हो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन सच बताऊं तो इस शहर में इससे अच्छा और इतना बढ़िया बंगला कहीं मिलेगा इतने कम रेट पर। संतोष को तो बस यह बंगला भा गया था, इसलिए उसके बाद वो लोग घर में सारा सामान वगैरह इधर उधर सेट करने लगते हैं, और पूरा घर सेट करने के बाद शाम के लगभग 5 या 5:30 बजे के करीबन संतोष बाहर चला गया सब्जी वगैरह लेने। घर में प्रीति और नेहा अकेले थे। संतोष के जाते ही प्रीति को मानो बहुत डर लग रहा था, और सोफे पर बैठे हुए बस जो बात टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताई थी वही बार बार सोच रही थी। तभी उसकी नजर आस पास पड़ी तो उसे नेहा कहीं पर नहीं दिख रही थी। उसके प्रीति घर में हर तरफ नेहा को आवाज मारकर ढूंढ रही थी, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। प्रीति परेशान हो गई और बंगले में हर तरफ जाकर नेहा को खोज रही थी, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर नेहा को आवाज मार रही थी, लेकिन शायद नेहा आस पास कहीं थी ही नहीं, तभी तो नेहा को सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज लगा लगा प्रीति थक हार कर एक जगह बैठकर रोने लगी, और उसने संतोष को फोन लगाया और रोते हुए बोलने लगी, संतोष नेहा पता नहीं कहां चली गई, कहीं नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ से संतोष ने कहा, अरे बाबा कितना परेशान हो जाती हो तुम, अरे वही कहीं होगी और कहां चली जाएगी, देखो आसपास होगी, घर के पीछे या दूसरे फ्लोर पर होगी, तुम परेशान मत हो मैं आ रहा हूं अभी। इतना कहकर संतोष ने तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पर प्रीति वहीं पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसके कानों में ऐसी आवाज आई जैसे लग रहा था कोई जोर जोर से हंस रहा हो, वह शायद इसमें नेहा की आवाज भी थी। आवाज भी ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। प्रीति भागते हुए ऊपर के फ्लोर पर जाने लगी, लेकिन वो यह सोच रही थी कि नेहा को कैसे पता ऊपर भी घर है, क्योंकि अभी तक तो प्रीति भी ऊपर के फ्लोर पर नहीं गई थी। और सीढ़ियों से भागते भागते प्रीति फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक चली गई, और अब प्रीति को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था कि नेहा किसी से बात कर रही है, और उसके साथ 2 आवाजें और भी आ रही थी, यानी नेहा के साथ 2 जने और थे नेहा की आवाज जिस कमरे से आ रही थी। प्रीति ने तुरंत उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा नेहा अकेले ही बैट बॉल खेल रही थी। नेहा के हाथ में बैट था और वो कह रही थी, जल्दी फेंको, बोल जल्दी बोल डालो, तुम रुक क्यों गई। तभी प्रीति ने नेहा को पीछे से पकड़ा और एक थप्पड़ खींच कर मारा और कहा, क्या हुआ नेहा, तू पागल हो गई है क्या, तू किससे बात कर रही है, अकेले कोई तो नहीं है यहां।
नेहा ने चौंकते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, अरे यही तो थे अभी वो दोनों। प्रीति ने फिर कहा, कौन दोनों? फिर नेहा ने कहा, मम्मी वो रश्मि और प्रिया यही तो रहते हैं वो, और अब वो दोनों मेरी नई फ्रेंड बन गई, वो बहुत अच्छी है। मम्मी उन दोनों ने बताया कि वो हमेशा से यही रहती हैं और अब मैं भी उनकी फ्रेंड बन गई हूं। प्रीति ने नेहा को पकड़ा और अपने साथ नीचे ले आई। प्रीति नेहा को डांट रही थी कि तू पागल हो गई क्या, और क्यों गई थी ऊपर, और तुझे कैसे पता कि ऊपर जाने का रास्ता कहां से है। नेहा ने फिर बताया, अरे मम्मी मुझे तो रश्मि और प्रिया ऊपर ले गए थे, उन्होंने तो मुझे बताया यहां से है रास्ता। मम्मी उन्होंने मुझे पूरा घर भी घुमाया, तीसरी मंजिल तक पूरे जगह देखी मैंने उनके साथ। प्रीति ने थोड़ा घबराते हुए और गुस्से में कहा, अरे ये दोनों कौन हैं, ये रश्मि और प्रिया? नेहा ने फिर कहा, मम्मी वो यहीं पर तो रहती हैं, मेरी नई दोस्त है वो दोनों, और उनकी मम्मी भी रहती है, ऊपर वाले फ्लोर में चलो मैं आपको मिलवा दूं उनसे। फिर प्रीति ने चौंकते हुए कहा, ऊपर के फ्लोर पर? लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे बंगला पूरा खाली है और बस हम लोग ही रहेंगे, हमने लिया है किराए पर, और गेट भी तो बंद था, ताला भी तो हमने ही खोला था, तो फिर ऊपर कौन रहता है। और थोड़ी देर में संतोष भी सामान वगैरह लेकर घर आ गया। संतोष ने आते ही बोला, क्यों नेहा कहीं चली गई थी? और तुम भी यार थोड़ी थोड़ी सी बात में डर जाती हो, कहां गई थी नेहा? फिर प्रीति ने तुरंत कहा, संतोष अब हम नहीं रहेंगे यहां, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में, और नेहा भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, ये ऊपर के फ्लोर पर अकेले बैट बॉल खेल रही थी और मुझे भी वहां दो तीन बच्चों की हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब मैं वहां गई तो वहां कोई नहीं था, बस नेहा अकेले ही खेल रही थी। संतोष ने फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, यार तुम्हारा ना दिमाग हो गया खराब, जब से तुम्हें टैक्सी वाले ने इस घर के बारे में अनाप शनाप बता दिया है तब से तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम समझती क्यों नहीं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई बहम हुआ है, क्योंकि तुम बस उस ड्राइवर के बताएं अनुसार ही सोच रही हो, और तुम थक भी तो काफी गई हो, क्योंकि आज ही नैनीताल से आई हो और सीधा यहां पर आकर सामान वगैरह सेट करने में लग गई हो, इसलिए अब चलो खाना वाना बनाते हैं फिर आराम कर लो, तब शायद तुम्हें ठीक लगेगा। फिर संतोष की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष क्या ऊपर वाले फ्लोर में कोई और भी रहते हैं? क्या नेहा ने बताया कि दो बच्चे और उनकी मम्मी ऊपर तीसरे फ्लोर पर है और वो वही रहती है? संतोष ने प्रीति की बात सुनी, फिर थोड़ा हंसते और मुस्कुराते हुए बोला, यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम दोनों ऊपर तो कोई नहीं है, पूरा बंगला तो हमने ले रखा है किराए पर, और बंगला पूरे एक साल से खाली है, अगर कोई होता तो बाहर ताला क्यों लगा होता, और मुझे मकान मालिक बताते नहीं क्या? फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा चलो मैं आपको दिखाती हूं, ऊपर रश्मि और प्रिया रहते हैं अपनी मम्मी के साथ, और वो बहुत अच्छे हैं, मेरी उन दोनों से फ्रेंडशिप भी हो गई है और वो दोनों मेरी नई फ्रेंड है अब। संतोष ने नेहा की बात सुनी और कहा, चलो दिखाओ फिर कौन है। उसके बाद नेहा संतोष और प्रीति को लेकर आगे आगे भागती हुई चली जा रही थी और कह रही थी, पापा देखो अभी दिखाती हूं मैं आपको। और जैसे ही नेहा ऊपर पहुंची तो उसने आवाज लगाई, प्रिया रश्मि प्रिया, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था और सभी कमरे के दरवाजे भी बंद थे। उसके बाद संतोष ने कहा, अरे नेहा हम सबको उल्लू बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहां। फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा अभी तो यही पर थे, पता नहीं अब कहां चले गए, पर उन्होंने तो कहा था हम तो हमेशा यही रहते हैं, वो हमेशा से यही पर है, पर अभी पता नहीं कहां गए। नेहा की बात सुनकर संतोष ने हंसते हुए दोनों को पकड़कर नीचे ले आया और अपनी वाइफ से कहा, देख लिया और मिल लिया तुमने, ऊपर फ्लोर वालों से पता चल गया ऊपर कौन है। लेकिन प्रीति ने कहा, नहीं संतोष आवाज तो मैंने भी सुनी थी, नेहा के साथ और दो बच्चों की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं कहती हूं सच में कुछ ना कुछ तो है इस घर में। फिर संतोष ने कहा, अरे यार तुम भी अब बस करो और चलो अब खाना बना लो, भूख भी लग रही है। संतोष के इतना कहने के बाद प्रीति किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक किसी के चीखने की बहुत तेज आवाज आई, ऐसा लगा कोई ऊपर के फ्लोर पर से चिल्ला रहा है। आवाज बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी और प्रीति को ऐसा लगा रहा था जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। आवाज सुनकर प्रीति तुरंत किचन से बाहर भागती हुई आई, पर वो जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा नेहा और संतोष तो बाहर बैठे हुए गेम खेल रहे थे, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कोई आवाज नहीं सुनी हो। संतोष ने जैसे ही प्रीति को देखा
पर प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके तो मानो होश उड़े हुए थे और वो बिल्कुल डरी सहमी हुई थी। फिर संतोष ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने डरते हुए जवाब दिया, संतोष, वो ऊपर किसी की चीखने की आवाज आ रही थी। संतोष, कोई है ऊपर? फिर संतोष ने प्रीति को संभालते हुए कहा, अरे कोई नहीं है, कहीं किसी की आवाज नहीं आई। लेकिन प्रीति मानने को तैयार नहीं थी और वो यही कहा रही थी, ऊपर कोई, क्योंकि मैंने आवाज साफ साफ सुनी है, कोई औरत सीख रही है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से तड़प रही थी। संतोष ने फिर कहा, अरे बाबा चलो कोई बात नहीं, एक बार देखकर आ जाता हूं मैं। इतना बोलकर संतोष ऊपर जा रहा था तभी प्रीति ने कहा, नहीं मैं भी चलूंगी, अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है, अब इस घर में ऐसा लगता है कोई ना कोई है आसपास, पर संतोष तुम समझ नहीं रहे हो, यह घर ठीक नहीं है। फिर संतोष ने कहा, अरे यार चलो तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी ऊपर देख लो अब। पर दोनों ने जैसे ही ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कहीं पर कोई नहीं था। लाइट जलाकर दोनों ने ऊपर पूरा घर छान मारा। फिर संतोष ने कहा, तुम्हारा कोई बहम था वो, चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करता हूं। प्रीति, तुम फालतू में डर रही हो क्योंकि तुम आज थकी हुई हो, इसलिए तुम परेशान हो रही हो, खाना खाकर सो जाओ, आराम से कल सुबह सब ठीक लगेगा। उसके बाद संतोष प्रीति के साथ किचन में जाकर खाना बना रहा था और तभी प्रीति की नजर पड़ी कि नेहा फिर आस पास नहीं थी। तभी उसने संतोष से कहा, नेहा कहां चली गई? फिर संतोष ने कहा, बाहर बैठी होगी, वो नहीं डरते तुम्हारी तरह। प्रीति ने फिर कहा, नहीं उसको भी बुला लो, जाओ उसको भी लेकर आओ। संतोष को अब गुस्सा तो आ रहा था लेकिन क्या करता, वो फिर उसने कहा, अच्छा अभी गया। इतना बोलकर संतोष आवाज लगाते हुए बाहर जाने लगा, पर उसे वहां नेहा कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसे ऐसा लग जैसे घर के पीछे गार्डन की तरफ से आवाज आ रही हो और ऐसे लग रहा था वहां बच्चे खेल रहे हो। तभी प्रीति ने संतोष के पास आकर कहा, देखा मुझे भी ऐसी आवाज आ रही थी। नेहा फिर से चली गई उन लोगों के पास। उसके बाद प्रीति और संतोष भागते हुए घर के पीछे गार्डन में पहुंचे तो उन्होंने देखा नेहा तो वहां पर अकेले बैठी हुई थी। संतोष ने नेहा के पास जाकर उसे पकड़ा और कहा, बेटा क्या हुआ, यहां क्यों आई? नेहा ने फिर कहा, अरे कुछ नहीं पापा, मेरी नई फ्रेंड थी ना रश्मि और प्रिया, उनके साथ खेल रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा यहां तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो? नेहा ने फिर कहा, पापा अभी तो वो दोनों यहीं थे, पर जब आप लोग आते हो तो वो चले जाते हैं, उन्होंने कहा वो बस मुझसे ही बातें करेंगे और बस मेरी ही दोस्त है। तभी यह देखकर प्रीति रोने लगी और संतोष पर चिल्लाने लगी, देखा मैं तुम्हें मना कर रही थी, इस घर में मत आओ, यह घर कुछ अजीब है, सही कह रहा था वो टैक्सी ड्राइवर, लेकिन तुम्हें तो किसी की बात समझ में ही नहीं आती है। संतोष ने फिर प्रीति से कहा, प्रीति चलो खाना खाकर अब सो जाते हैं। तभी नेहा ने कहा, पापा मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी, अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ और खेलूंगी। पर संतोष ने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, नेहा चलो यहां से तो बस चलो, अभी यहां कोई नहीं है, बाद में खेलना। इतना कहकर संतोष नेहा को घर के अंदर ले आया, पर नेहा बाहर जाने के लिए रो रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा अभी खाना खाके सो जाओ, कल सुबह अपनी फ्रेंड के साथ खेल लेना और हमको भी उनसे मिलवा देना, पर अभी सो जाओ। लेकिन नेहा लगातार रो रही थी और बस यही बोल रही थी, नहीं मुझे बाहर जाना है और अपनी फ्रेंड के साथ खेलना है, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, मुझे बस उन दोनों के साथ ही खेलना है, मुझे जाने दो गार्डन में। नेहा को रोता हुआ देख अब प्रीति को भी अपने पति संतोष पर गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही बोलने लगी, जब मैं आपको कह रही थी कि यहां नहीं रहना, ये घर ठीक नहीं है, तब तुम्हें मुझ पर कोई यकीन नहीं हो रहा था, अब देख लो नेहा की हालत ना जाने किसकी बात कर रही है, यह और ना जाने किसके साथ खेल रही थी, उस समय भी जब तुम बाहर गए थे तब भी अचानक से यह ऊपर के फ्लोर पर चली गई और किसी से हंस हंस के बातें भी कर रही थी, जब मैंने कहा तब तुम्हें मेरी बात पर कोई यकीन नहीं हुआ। संतोष प्रीति की सारी बात सुनी और शांति से कहा, प्रीति चलो ठीक है, लेकिन आज तो अब रात हो गई है, अब तो सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे क्या करना है। उसके बाद वो तीनों खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। वैसे ही आज दिन भर थके हुए थे तो बिस्तर पर लेटते ही संतोष को नींद आ गई, लेकिन प्रीति इतने सारे हादसे देखने के बाद कहां सोने वाली थी, उसकी नींद तो वैसे ही उड़ी हुई थी। उसके मन में लगातार बस यही सब बातें गूंज रही थी, कभी वो उस टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की बातें याद करती तो कभी उसे नेहा का अचानक तीसरे फ्लोर पर चले जाना
और कभी और बच्चों की आवाज हंसते खेलते हुए सुनाई देना। यही सब सोचते सोचते प्रीति बिस्तर पर लेटी हुई थी और तभी शायद उसकी आंख भी लग गई। लेकिन थोड़ी देर में अचानक हुई एक आवाज से प्रीति की आंख फिर तुरंत खुल गई और प्रीति ने जो देखा उसके बाद प्रीति के हलक से एक जोरदार डरावनी चीख निकली और चीखते ही प्रीति अपने बेड से सीधा नीचे जमीन पर गिरी और जमीन पर ही पड़े पड़े प्रीति अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रही थी कि एक सर कटी हुई औरत इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसके साथ दो छोटी छोटी लड़कियां भी हैं और उनके भी सर कटे हुए थे। ये सब देखने के बाद तो मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो और उसके चीखने की आवाज बड़ी तेज निकली थी और उसी आवाज से संतोष की आंख भी तुरंत खुल गई और उसने देखा कि प्रीति नीचे जमीन पर पड़ी हुई रो रही है। संतोष ने तुरंत प्रीति को उठाया और उसको संभालते हुए पूछने लगा, क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो और नीचे कैसे गिरी? लेकिन प्रीति इतना ज्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई थी कि प्रीति के हलक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पर प्रीति डरते डरते दरवाजे की तरफ उंगली दिखा रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी, संतोष वो देखो वो औरत खड़ी है, संतोष वो हमें मार देगी, वो हम सबको मार देगी, वो देखो, संतोष ने प्रीति को चलाते हुए कहा। प्रीति कोई नहीं है, दरवाजा बंद है और लाइट भी तो चल रही है, कमरे में तो कोई भी नहीं है, तुमने कोई सपना देखा होगा। प्रीति तुम आज दिन भर से ऐसी चीज के बारे में ही सोच रही हो इसलिए तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन प्रीति लगातार बस यही बताने की कोशिश कर रही थी कि संतोष नहीं, वहां वहां वो देखो है, वो है वहां। पर संतोष ने प्रीति को बड़े प्यार से संभाला और कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और बताओ कहां है, कोई तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रीति ने फिर से दरवाजे की तरफ डरते डरते देखा तो सच में वहां कोई नहीं था। लेकिन प्रीति बहुत ज्यादा डर चुकी थी इसलिए वो बस रो रही थी और यही कह रही थी, नहीं संतोष, मैंने देखा है एक औरत जिसके दरवाजे की कुंडी के खटखटाने से मेरी आंख खुली और मैंने देखा एक सरकटी औरत और उसके साथ दो सरकटे बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। संतोष समझ चुका था कि आज दिन भर से इस बंगले के बारे में जो गलत गलत बातें प्रीति के दिमाग में बैठी हुई हैं उसका ही कोई असर हुआ है और उसने कोई डरावना भयानक सपना देखा है। उसके बाद संतोष ने प्रीति को अपने साथ ही सहलाते हुए सुलाया और फिर सुबह लगभग 5 बजे के करीबन संतोष की आंख खुली तो संतोष ने देखा प्रीति और नेहा अभी भी सो रही हैं। संतोष को पता था वैसे भी कल से उसकी वाइफ और उसकी बेटी थकी हुई थी और बहुत परेशान थी इसलिए उसने उन्हें सोने देना ही ठीक समझा। पर संतोष को आज स्कूल पढ़ाने के लिए भी जाना था इसलिए संतोष नहा धोकर फ्रेश हुआ और तैयार होकर उसने चाय बनाकर अपनी वाइफ को बेड पर ही लाकर दी और फिर तभी प्रीति की आंख भी खुली तो उसने देखा काफी उजाला हो गया था। फिर संतोष ने कहा, आज मुझे स्कूल भी जाना है, अब तो उठ जाओ। लेकिन कल रात जो भी हुआ वो प्रीति बिल्कुल भी नहीं भूल सकती थी इसलिए प्रीति ने कहा, संतोष हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे, हमको ये बंगला खाली करना होगा, तुम आज ही शहर में कहीं और घर देख लो, कोई बात नहीं किराए थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन ये बंगला ठीक नहीं है। संतोष सच कहां था, उस टैक्सी ड्राइवर ने श्रापित बंगला है। सुबह सुबह संतोष ने अपनी वाइफ के मुंह ऐसी बात सुनी तो उसको भी थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर उसने कहा, इस बंगले में तो कुछ नहीं है, ये बंगला बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें उस जो बेवकूफ ड्राइवर ने कल बताया ना, वही तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, उसी का असर है, तुम पर नहीं तो इस घर में और कुछ नहीं है, मैं भी तो हूं, मुझे क्यों नहीं कुछ दिखा। अब तुम फालतू की बकवास छोड़ो, उठो और मैं जा रहा हूं स्कूल। इतना बोलकर संतोष उस कमरे से बाहर निकल आया और अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। प्रीति भी अब अपने बिस्तर से उठ गई थी और तभी उसने नेहा को देखा तो प्रीति को ऐसा लगा कि नेहा की सांसें बहुत तेज तेज चल रही है। उसके बाद प्रीति ने उसके चेहरे पर हाथ लगाया तो इस सर्दी के मौसम में भी नेहा का बदन बहुत गर्म था, मानो बुखार से उसका पूरा शरीर तप रहा हो। यह देखकर प्रीति घबरा गई और उसने संतोष को बाहर से तुरंत बुलाया। संतोष ने भी आकर देखा कि नेहा को बहुत तेज बुखार है। संतोष ने कहा, तुम इसके पास ही रुको, मैं अभी बाहर कहीं डॉक्टर हो तो उसे लेकर आता हूं। इतना बोलकर संतोष बाहर सड़क पर गया और इधर उधर के लोगों से पता करने के बाद पता चला डॉक्टर तो राजपुर में मिल जाएगा, पर संतोष के पास यहां पर अभी कोई बाइक वगैरह तो थी नहीं तो संतोष रोडवेज विक्रम में ही बैठकर राजपुर चला गया। वो राजपुर में एक क्लिनिक पर गया तो पता चला डॉक्टर तो 9 बजे से पहले नहीं आते हैं। संतोष काफी देर तक ये बैठा हुआ इंतजार कर रहा था लेकिन अभी तो 7 ही बज रहे थे। तभी ने वहां लिखे हुए फोन नंबर पर फोन करा
और डॉक्टर को जल्दी आने को कह दिया। संतोष ने अपने बंगले का एड्रेस बता दिया था और डॉक्टर ने कहा 20 से 25 मिनट में वो उसके घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद संतोष फिर क्लिनिक से वापस विक्रम में बैठकर अपने बंगले पर आ गया। घर में पहुंचते ही उसने देखा उसकी वाइफ नेहा को पकड़कर रो रही थी और उसे सहलाने में लगी थी। संतोष ने जाते ही नेहा को गोद में उठा लिया, पर नेहा को तो मानो कोई होश नहीं था। वो बिल्कुल भी बेशुद्ध थी और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी और उसका बदन जलती हुई आग की तरह तप रहा था। उसके बाद संतोष ने प्रीति को बताया कि डॉक्टर थोड़ी देर में अभी यहाँ आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर संतोष के बताए अनुसार उस एड्रेस पर अपनी नैनों से आ गए। संतोष बाहर ही डॉक्टर का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसे डॉक्टर बाहर गेट पर ही मिले और वो उन्हें लेकर साथ में अंदर गया और उसने बताया कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हम नए नए इस शहर में आए हैं। हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं कहाँ हॉस्पिटल है और कहाँ क्लिनिक वगैरह, पर डॉक्टर जैसे उस बेडरूम में आए जहाँ नेहा लेटी हुई थी, तो आश्चर्य की बात तो यह थी, नेहा जो अब तक बहुत गंभीर हालत में थी उसकी हालत बहुत खराब थी। पर डॉक्टर जैसे ही बेडरूम के अंदर पहुंचे वैसे ही नेहा को तुरंत होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने नेहा को देखा और उसके चेहरे पर हाथ लगाया और उसे थोड़ा चेक करा तो उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था और नेहा बिल्कुल ठीक थी। उसको चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ इसको, यह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन संतोष और प्रीति के तो मानव अब होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी दोनों जने बहुत परेशान थे कि नेहा की कितनी हालत खराब है, उसके बावजूद डॉक्टर के आते ही एकदम से कैसे सब ठीक हो सकता है बिना किसी दवाई या किसी मेडिसिन के। फिर डॉक्टर ने कहा आपको कोई वहम हुआ होगा क्योंकि ठंडी भी ज्यादा है आज, इस वजह से बाकी नेहा की तो हालत बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अच्छा मैं चलता हूं अब, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर जाते जाते हैं थोड़ा रुके और उन्होंने संतोष से कहा भाई आपको इस घर को किराए पर लेने के लिए किसने कहा था। डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए फिर संतोष ने कहा डॉक्टर साहब मैं एक स्कूल टीचर हूं और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा नैनीताल से देहरादून तबादला हुआ है। मुझे एक घर की जरूरत थी तो मैंने अखबार में इसका एडवर्टाइजिंग देखा था और मुझे यह बहुत अच्छा लगा था क्योंकि यह बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। इसका किराया भी शहर में हर एक घर से बहुत कम है और बहुत बजट में है। फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा, अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना क्योंकि मेरा क्लिनिक यहां से ज्यादा दूर तो है नहीं और मेरा घर भी पास में ही है और मैंने अक्सर देखा यह बंगला खाली ही रहता है, बस साल या 6 महीने में ही कोई फैमिली इसमें रहने को आती है, फिर उसके बाद यह खाली ही रहता है। अच्छा चलो मैं चलता हूं, डॉक्टर तो इतना कहकर चले गए। पर शायद अब संतोष को भी डॉक्टर की बातें थोड़ी समझ में आ गई थी। डॉक्टर ने साफ साफ तो नहीं बताया यह बंगला ठीक नहीं है या फिर इसमें ऐसा क्या है जो यहां लोग ज्यादा नहीं रहते, पर कल टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताया था और कल रात जो भी प्रीति के साथ हुआ उससे यह तो पता चल चुका था कि सच में यह बंगला शायद ठीक नहीं है। उसके बाद उसने प्रीति को कहा चलो मैं अभी तो स्कूल जा रहा हूं पढ़ाने, क्योंकि कल भी छुट्टी करी थी और आज थोड़ा लेट भी हो गया है। बाकी मैं वहां से आते ही शहर में कहीं और पता कर लूंगा कोई दूसरा घर। प्रीति भी संतोष की यह बात सुनकर संतुष्ट थी। उसने कहा ठीक है आप स्कूल से होकर आ जाओ, फिर कहीं और देखते हैं कोई दूसरा घर। इतना बोलकर संतोष तो स्कूल चला गया, पर अब घर में नेहा और प्रीति ही थे। नेहा इधर उधर खेल रही थी और प्रीति अपने घर का सारा काम वगैरह निपटा रही थी, और घर का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी में शायद कोई मूवी देख रही होगी, लेकिन चलती टीवी पर अचानक से जो कुछ भी प्रीति ने देखा उसके बाद प्रीति की आंखें फिर खुली की खुली रह गई और प्रीति की सांसें मानो अटक सी गई हो, क्योंकि प्रीति ने जो कुछ भी देखा उसके होश उड़ना तो लाजमी ही थे, क्योंकि उसने देखा जो रात को कटे सर वाली औरत और उसके दो बच्चे जो उसने अपने बेडरूम में देखे थे अब वो टीवी पर दिख रहे थे। पहले तो उसने सोचा शायद कोई बहम है, पर वो डरते हुए जो भी चैनल चेंज कर रही थी तो उसे हर चैनल पर बस यही दिख रहा था। पर अभी तक टीवी में वो लोग बस दिख ही रहे थे कि तभी उसी टीवी से आवाज भी आने लगी। टीवी से यह आवाज आ रही थी, ये बंगला हमारा है और सिर्फ हमारा है, यह बंगला और किसी का नहीं हो सकता, यह हमारा बंगला है, यहां जो आता है वो बस मारा जाता है। प्रीति यह सब आवाज सुनकर बड़ी तेज तेज उसी टीवी के सामने ही चिल्लाने लगी कौन हो तुम, कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो, हमें क्या करा है हमने। लेकिन तभी उसी टीवी में से किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के रोने की और चीखने चिल्लाने तड़पने की आवाज आने लगी और वो बस लगातार एक ही बात कह रही थी यह बंगला हमारा है और सिर्फ हमारा है,
जो यहाँ इस बंगले को लेने आएगा उसे हम मार देंगे, क्योंकि यह बंगला बस हमारा है। आवाज बहुत खतरनाक और बहुत डरावनी लग रही थी। तभी प्रीति चीखते चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई और नेहा को ढूंढने लगी। प्रीति की आंखों से बस आंसू ही बह रहे थे और लगातार रो रही थी। प्रीति के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। प्रीति ने बाहर देखा तो बाहर कहीं उसे नेहा नजर नहीं आ रही थी। उसे अब नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मना करा था उसे कहीं भी जाने से। तभी उसने सोचा शायद वो गार्डन में गई होगी, इसलिए वो भागते हुए गार्डन की तरफ गई, लेकिन गार्डन में भी कोई नहीं था। और फिर उसने बिना देर लगाए सीढ़ियों से भागते हुए तीसरे फ्लोर पर पहुंची तो उसको साफ साफ आवाज सुनाई दे रही थी कि 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। प्रीति तुरंत उस कमरे में गई जहां से आवाज आ रही थी, तो उसने देखा नेहा ने फर्श पर कुछ लकीरें खींचकर कुछ बनाया हुआ था, और उसमें वो एक पत्थर से अकेले ही पिट्ठू लंगड़ी गेम खेल रही थी, और अकेले ही पता नहीं किससे बातें कर रही थी। जिससे भी बातें कर रही थी उनमें से कोई भी प्रीति को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद प्रीति नेहा के पास गई और उसके के गाल पर खींचकर 2-3 थप्पड़ मारे और उसको खींचते हुए नीचे ले आई। प्रीति उसको डांट रही थी कि जब तुमको मना किया है अकेले इस घर में कहीं नहीं जाना, तो तुम क्यों अकेले घूम रही हो और बार बार अकेले किससे बात कर रही थी? तुम पागल हो गई हो क्या? नेहा फिर थोड़ा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी तुम भी ना, तुम्हें मैंने बताया नहीं था क्या? मेरी वो दोनों फ्रेंड्स है जिनके साथ में खेलती हूं, नई फ्रेंड्स प्रिया और रश्मि, प्रीति ने फिर चिल्लाते हुए कहा। तुम पागल हो गई हो, यहां कोई फ्रेंड नहीं है, अगर होती तो क्या मुझे नहीं दिखाई देती? और दोबारा कभी ऐसे अकेले मत जाना। उसके बाद रोते हुए प्रीति ने नेहा को सीने चिपका लिया। फिर नेहा ने बड़े प्यार से और शांति से कह, मम्मी वो दोनों बहुत अच्छी हैं और उनकी मम्मा भी बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा था रश्मि और प्रिया को कि मेरी मम्मी से भी मिल लो, लेकिन उन्होंने कहा अभी हम आपकी मम्मी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारी और आपकी फ्रेंडशिप हुई है। आपकी मम्मा जब मेरी मम्मा से फ्रेंडशिप कर लेंगी तब हम उनसे मिलेंगे। नेहा ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मम्मी चलो ना आप भी उनकी मम्मा से फ्रेंडशिप कर लो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं ये घर उनका ही है और वो हमेशा से यहीं पर ही रहते हैं, और हम भी अब उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। प्रीति को शायद समझ में आ चुका था नेहा को कौन परेशान कर रहा है और क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि प्रीति ने बेडरूम में भी एक कटे सिर वाली औरत और उसके साथ 2 बच्चे देखे थे, और अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर भी तो उसने देखा था। फिर प्रीति ने नेहा को कहा, बेटा अब हम यहां नहीं रहेंगे, हम अब किसी दूसरे घर में जाने वाले हैं। आज जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम किसी दूसरे घर पर जाकर रहना शुरू करेंगे। यह सुनकर नेहा फिर जोर जोर से रोने लगी, नहीं मम्मी हम यही रहेंगे, ये बहुत अच्छा घर है और रश्मि प्रिया भी बहुत अच्छी हैं, इन दोनों से मेरी फ्रेंडशिप हो गई है और उन लोगों ने कहा था कि अब तुम सब हमारे साथ हमेशा रहोगे, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे, बहुत अच्छे हैं वो दोनों। फिर प्रीति ने नेहा को डांटते हुए कहा, बस अब चुप हो जाओ और अंदर जाकर बैठो। लेकिन नेहा रोने लगी और ऊपर के फ्लोर की ओर भागने लगी। प्रीति ने फिर नेहा को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसने हवा में ही इधर उधर देखकर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम लोग और क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा बोलते हुए प्रीति जोर जोर से रोने लगी, और उसके इतना बोलने के बाद ही थोड़ी देर में ही प्रीति को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। प्रीति ने फिर चारों तरफ देखा पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, बस पास में नेहा बैठी हुई थी, लेकिन हंसने की आवाज बहुत खतरनाक और डरावनी लग रही थी। तभी एकदम से किसी ने प्रीति के कानों में फुसफुस आते हुए कहा, तुम सब लोग मारे जाओगे, ये बंगला सिर्फ हमारा है, और अगर इस बंगले में कोई आ जाए तो वो जिंदा नहीं वापस जाता, क्योंकि बंगला तो सिर्फ हमारा है, और अगर तुमने नेहा को हमसे दूर करने की कोशिश करी तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, अगर नेहा को हमसे अलग किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी और उस मनुष खड़ी को कोस रही थी जिसमें उसके पति संतोष ने इस घर को किराए पर लिया था। आज पूरा दिन प्रीति का इसी घटनाक्रम में बीत गया। प्रीति बहुत परेशान और डरी हुई थी, और आज सुबह से ही उसने कुछ खाया भी नहीं था और ना ही उसको भूख प्यास कुछ लग रही थी। और लगभग 2 बजे के करीबन दोपहर में संतोष भी स्कूल से वापस घर आ गया, और घर में आते ही उसने देखा प्रीति अभी भी बहुत परेशान और दुखी थी। आज जो भी दिन भर से प्रीति के साथ हुआ वो सब उसने संतोष को बता दिया, और संतोष भी अब समझ चुका था कि अब यहां से कहीं और जाना ही ठीक है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी बीवी की हालत अब खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो बस ऐसी ही अनाप शनाप बातें सोच रही थी।
और ऐसे ही बेतुकी बातें कर रही थी। संतोष ने भी अब मन बना ही लिया था कि अब कहीं और घर लेना है, जब सुबह नेहा की तबीयत अचानक ही ठीक हो गई थी। इसलिए संतोष ने अपनी वाइफ को कहा, तुम अब टेंशन मत लो, हम आज या कल में ही कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। संतोष ने इतना ही बोला होगा कि जहां पर ये दोनों खड़े थे, तभी वहां छत का पंखा बड़ी जोर से नीचे गिरा, पर संतोष बाल बाल ही बचा होगा। अगर वो पंखा संतोष के सर पर गिर जाता तो वैसे ही संतोष का सरकार फट गया होता। यह देखते ही प्रीति ने कहा, संतोष यह बंगला बहुत अशुभ है, क्योंकि कल हम यहां आए थे और कल से ही सब बहुत अजीब ही हो रहा है। फिर प्रीति ने संतोष को वो बात बताई जो उसके कान में धीरे से आवाज आई थी कि अगर नेहा को हमसे अलग किया गया तो कोई नहीं बच पाएगा, तुम सब मारे जाओगे। अब संतोष भी समझ चुका था कि यहां रुकना अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसी दिन वाला अखबार फिर से देखा और जितने भी घरों के एडवर्टाइजिंग थे उन सबको देखा और बारी बारी से उसने हर एक एड पर दिए हुए फोन नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनमें से कोई भी घर अब खाली नहीं था। जिस भी मकान मालिक से संतोष ने बात करी तो किसी ने कहा, आज ही हमारा घर किराए पर उठा है, और किसी ने कहा, कल ही उठ गया था। पर एक जगह से थोड़ी बात बनी तो उस मकान मालिक ने कहा, हमारे यहां कुछ बाहर से गेस्ट आए हुए हैं जिन्हें हमने अपने उसी घर पर ही रुका हुआ है, और वो लगभग 3 से 4 दिन तक रुकने वाले हैं। अगर आप चाहें तो उसके बाद उस घर में आ सकते हैं। उसके बाद संतोष ने सारी बात अपनी वाइफ को बता दी, पर प्रीति बस इसी चिंता में थी, 3 से 4 दिन कैसे कटेंगे यहां। फिर प्रीति ने कहा, संतोष जब तक हम दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक तुम स्कूल की छुट्टी कर लेना प्लीज, क्योंकि अकेले हम यहां नहीं रह पाएंगे। संतोष ने भी प्रीति को इतना परेशान देखते हुए हामी भर दी, लेकिन प्रीति को इस बात की थोड़ी खुशी तो थी कि चलो कम से कम अब दूसरा घर तो मिल ही गया, बस भगवान यह 3-4 दिन सही से बीत जाए। फिर संतोष ने प्रीति से कहा, चलो अब घर तो मिल ही गया है, 3-4 दिन बाद शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। अब एक काम करते हैं, आज कहीं बाहर घूम के आते हैं जिससे शायद तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। फिर प्रीति ने कहा, हाँ ठीक है, आज डिनर बाहर ही करके आएंगे। उसके बाद लगभग 4 बजे संतोष ने प्रीति से कहा, चलो अब तैयार हो जाओ डिनर के लिए। फिर नेहा ने कहा, पापा हम घूमने जाएंगे बाहर, मैं यह बात अपनी फ्रेंड को भी बता दूं, मैं उन्हें अभी बोलकर आती हूं कि हम घूमने जा रहे हैं, पापा उनको भी ले चले क्या हम। इतना ही कहा होगा नेहा ने, और फिर प्रीति का पारा पूरी तरह से हाई हो गया। फिर चिल्लाते हुए उसने कहा, इस लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है, यह लड़की पागल हो गई है, जब से यहां आई है पता नहीं किन लोगों को बुलाने की बात कर रही है और किन लोगों से इसने दोस्ती कर ली है। इतना बोलने के बाद प्रीति थोड़े ही देर में फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोलने लगी, संतोष या तो हमारी नेहा पागल हो गई है या फिर वो लोग हमारी नेहा को हमसे जुदा करना चाहते हैं। वो लोग हमारी नेहा को क्यों बार बार दिखाई देते हैं और नेहा से ही क्यों बात करते हैं। संतोष कहीं यह लोग हमारी नेहा को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, मुझे बहुत डर लग रहा है। संतोष ने प्रीति को ऐसे रोते और डरते हुए देख तो संतोष ने कहा, प्रीति ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई नहीं कर सकता कि कोई हमारी नेहा को हमसे अलग कर दे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी नेहा को नुकसान पहुंचा सके, इसलिए तुम फालतू में डरना और घबराना बंद करो, चलो बाहर चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा और नेहा तुम भी तैयार हो जाओ। और अब हां, ऐसी फालतू की बकवास बंद करो, किसी फ्रेंड को नहीं बुलाना, किसी को कुछ नहीं बताना, ठीक जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में प्रीति और नेहा तीनों रेडी होकर बाहर जा ही रहे थे और इन तीनों के गेट के पास पहुंचते ही नेहा ने संतोष के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और बहुत तेजी से घर के पीछे जो एक बड़ा सा गार्डन था उस ओर भागने लगी। संतोष नेहा के पीछे पीछे ही भाग रहा था और आवाज लगा रहा था। संतोष और प्रीति दोनों यही बोल रहे थे, नेहा रुक जाओ, कहां जा रही हो, नेहा क्या हुआ तुमको, क्या हुआ बोलो नेहा रुको। लेकिन नेहा बिना कुछ बोले बस रोते हुए गार्डन की तरह ही भाग रही थी। तभी संतोष वहीं पर रुक गया और उसने प्रीति को भी वहीं रोक दिया। फिर उसने कहा, एक मिनट रुकना, देखते हैं किससे मिलने जा रही है, आज देखते हैं कौन है जो हमारी नेहा को इतना परेशान कर रहा है। पर प्रीति कह रही थी, नहीं संतोष नेहा को पकड़ लो, वो लोग हमारी नेहा को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दें। मेरी बात मानो संतोष, यह वही है सर, कटी बच्चे और उनकी मां, इसलिए नेहा को ले आओ वहां से। लेकिन संतोष इस समय पूरे गुस्से में था और चिल्लाते हुए बोलने लगा, आखिर क्या किया है हमने इन लोगों का, क्यों ये लोग हमारी नेहा को परेशान कर रहे हैं, आज देख लेने दो कौन है तो फिर बताता हूं इनको। मैं
संतोष बहुत गुस्से में था। गुस्से में आग बबूला होकर गार्डन के पास ही खड़ा था। संतोष के मुंह में जो आ रहा था बस वही बोल रहा था। संतोष ने फिर कहा, देखता हूं आज इनके सर कटे हैं, पर मैं सब कुछ काट दूंगा। संतोष अनाप शनाप बोले ही जा रहा था और उसकी वाइफ लगातार रोते हुए बोल रही थी कि नहीं नेहा को ले आओ। पर संतोष ना तो नेहा को पकड़ने जा रहा था और ना ही प्रीति को गार्डन में जाने दे रहा था। लगभग 10 मिनट तक संतोष वहीं खड़ा था और प्रीति संतोष के साथ ही थी, और थोड़ी देर में नेहा किसी से कुछ बात करने लगी। यह संतोष ने भी सुना, लेकिन संतोष को वहां नेहा के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस आसपास नेहा की ही आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद संतोष ने प्रीति की तरफ देखा तो वो अपना सर अपने घुटनों में नीचे दबाकर बैठी हुई रो रही थी। फिर संतोष ने जोर से चिल्लाते हुए प्रीति को कहा, देख लो किससे बात कर रही है, तुम दोनों ने परेशान कर दिया। मुझे यहां कोई भी नहीं है और नेहा बस अकेले ही बड़बड़ाए जा रही है, और एक तो तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप बताती हो। यह देखा वो देखा और नेहा को पता नहीं क्या हो गया। मैं आज ही से इसे किसी डॉक्टर के पास ले चलता हूं। उसके संतोष के चिल्लाने से प्रीति ने जैसे ही ऊपर देखा तो प्रीति के होश उड़ गए। फिर प्रीति जोर से चीखते हुए बोली, यह यही है, यह देखो, यह संतोष, संतोष यही है। वो लड़कियां जिनको मैंने देखा था उस टाइम, इनके सर कटे हुए थे, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। संतोष, वो देखो, यह वही है। प्रीति के मुंह से यह सब सुना तो संतोष तो वैसे भी गुस्से में था, इसीलिए उसने प्रीति के गाल पर खींच के एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम दोनों को पता नहीं क्या हो गया, यहां कोई भी नहीं है, मुझे क्यों कोई नहीं दिख रहा है? तुमने मुझे 2 दिन से बेवकूफ बना रखा है, परेशान कर रखा है, अब मैं तुमसे दुखी हो गया हूं। शायद प्रीति समझ चुकी थी कि संतोष को वो दोनों लड़कियां नहीं दिख रही हैं, बस उसको ही नजर आ रही हैं, और नेहा भी उनसे बात कर रही थी। तभी संतोष ने नेहा को बड़ी जोर से आवाज मारी, नेहा पागल हो गई हो क्या, जल्दी आओ इधर। उसके बाद नेहा अब शायद अपनी बात खत्म करके भागते हुए अपने पापा के पास आई, पर संतोष तो बहुत गुस्से में था, तब उसने नेहा को भी खींच के एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद नेहा रोने लगी और उसने कहा, पापा मुझे गेट पर आंटी ने नहीं जाने दिया था, वो रश्मि और प्रिया की मम्मी ने, और मैं अभी प्रिया और रश्मि से बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि हम आज बाहर घूमने जा रहे हैं। फिर संतोष ने दांत पीसते हुए कहा, हो गई बात तुम्हारी, अब चलो। अब संतोष का मूड तो खराब हो ही गया था, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा बाहर जाना ही चाहता था ताकि शांति उसे भी मिल जाए। और संतोष यह भी सोच रहा था कि उसे नेहा और प्रीति को अब किसी मानसिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम संतोष, प्रीति और नेहा बंगले से तो बाहर आ गया, लेकिन अभी भी संतोष गुस्से में ही था और प्रीति लगातार रो रही थी। इसलिए संतोष प्रीति पर चिल्लाते हुए बोला, अब यह रोना धोना बंद करो, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया हूं। तुम लोग के इस बर्ताव से पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, और तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप सोचती रहती हो, जिससे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हम कल ही किसी डॉक्टर से मिलकर बात करेंगे। प्रीति को पता था कि संतोष अब उसको किसी मानसिक रोगी की तरह ही अब देख रहा है, लेकिन प्रीति तो सब जानती थी कि उसके साथ इतने दिन से जो भी हो रहा है वो कोई दिमाग में बैठी हुई किसी बात का असर नहीं है, और ना ही उसका वहम पर वो संतोष को कैसे समझ पाएगी कि प्रीति सच कह रही है, क्योंकि संतोष ने भी अपनी आंखों से देखा। नेहा बस हवे में ही बात कर रही थी, और संतोष ने तो अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था जिससे उसे पता चल पाता कि सच में यह बंगला सही नहीं है या इस बंगले की ही वजह से प्रीति और नेहा की ऐसी हालत हुई। लेकिन संतोष पढ़ा लिखा था और आज के ख्यालों का था, और ऊपर से स्कूल टीचर उसको पता था। अब ज्यादा प्रीति और नेहा पर इस बात से जुड़ा कोई भी सवाल करना ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेहा और प्रीति को इस बुरे दौर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। वो तीनों बाहर घूमने जाने के लिए बाहर सड़क पर खड़े किसी बस का इंतजार कर रहे थे, और थोड़ी देर में बस आई और वो तीनों बस में बैठ गए और लगभग 5:30 बजे घंटाघर पर उतरे। फिर संतोष, प्रीति और नेहा को देहरादून शहर में हर जगह घुमा रहा था, क्योंकि प्रीति पहली बार इस शहर में घूम रही थी और अब उसको भी अच्छा लग रहा था, अब शायद उसका मूड भी सही हो गया था। थोड़ी देर में वो तीनों मार्केट के अंदर गए तो वहां बहुत सारे टॉयज की दुकानों को देखकर नेहा जिद करने लगी, पापा मुझे टॉय चाहिए। संतोष ने भी कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल चलो। और उसके बाद वो दुकान के अंदर चले गए। नेहा ने अपने लिए तो खिलौने लिए ही, और उसने कहा, पापा आप एक रश्मि और प्रिया के लिए भी ले लो ना प्लीज, पापा उनके लिए भी ले लो, मैंने उनको कहा था जब हम घूम कर आएंगे तो तुम दोनों के लिए भी मैं खिलौने लेकर आऊंगी, इसलिए आप उन दोनों के लिए भी ले लो। फिर संतोष ने कहा, बेटा हम उनके लिए बाद में ले लेंगे, पहले आप ले लो,
अपने लिए बाद में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन नेहा रोने लगी और जिद करने लगी, नहीं पापा, उन दोनों के लिए भी ले लो, नहीं तो मुझे भी नहीं चाहिए। संतोष बहुत परेशान था, लेकिन वो करता भी तो क्या, क्योंकि दुकान में बहुत लोग भी थे, तो उसने कहा ठीक है उनके लिए भी ले लो। उसके बाद वो दुकान से बाहर निकले और अब संतोष नेहा को बहुत प्यार से समझाने लगा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, वहां कोई भी नहीं रहता है, उस घर में सिर्फ हम लोग रहते हैं और कोई भी प्रिया और रश्मि नहीं है। संतोष की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष वही है, प्रिया और रश्मि शायद वो सिर्फ नेहा को ही दिखते हैं और नेहा से ही बातचीत करते हैं, क्योंकि मैंने जब भी उन्हें देखा सिर कटी हालत में वो लड़कियां वैसे ही थीं, और जब आज गार्डन में देखा तो बिल्कुल सही हालत में नेहा के साथ खड़ी थी। इतना ही कहा होगा प्रीति ने तो संतोष को फिर से गुस्सा आ गया। फिर संतोष ने कहा, तुम चुप हो जाओ, अब तुम्हारे चक्कर से हमारी बच्ची भी परेशान हो गई और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप सोचती है, जो कुछ है भी नहीं, उसके दिमाग में भी तुम्हारे चक्कर से उल्टी सीधी बातें घूमती रहती हैं। अब चलो, आज घर जाने के बाद कल सुबह यहीं पर शहर में एक हॉस्पिटल है, वहां आएंगे। प्रीति ने संतोष को इस बार कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी संतोष को समझाना अब बस बेकार ही है, क्योंकि संतोष को इन बातों पर या यह जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर संतोष को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन प्रीति यह भी जानती थी कि जो कुछ भी है उस बंगले से ही जुड़ा है, क्योंकि जब तक वो उस बंगले में थी तो उसके अंदर एक अजीब सा डर और घबराहट था, और जब ही अब वो बंगले से बाहर है तब से ही वो अपने आप को बिल्कुल सही महसूस कर पा रही थी। और साथ ही साथ प्रीति यह भी सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर में फिर हमें उसी बंगले पर जाना है, ये सोचकर भी उसका मन डर रहा था और घबरा रहा था। तभी नेहा ने कहा, पापा हम बहुत देर से घूम रहे हैं, अब मुझे भूख लग रही है। फिर संतोष ने कहा, हाँ चलो अब किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर लेते हैं फिर, क्योंकि अब अंधेरा भी हो गया है, फिर उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि अपने पास अभी गाड़ी भी तो नहीं है, इसलिए बस में जाना पड़ेगा। फिर प्रीति ने संतोष से कहा, ऐसा नहीं कर सकते, क्या कि आज हम जो तुम्हारे स्कूल की तरफ से तुम्हें रूम दिया गया था वहीं पर रुक जाए, क्योंकि अब रात भी तो हो गई है। प्रीति की बात सुनकर संतोष ने प्रीति के चेहरे की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहे, चलो ठीक देखते हैं, क्योंकि संतोष भी जानता था अभी फिर से उस बंगले में जाएंगे तो प्रीति फिर वही अनाप शनाप जो उसको इस बंगले के बारे में बताया गया है वही सोचेगी और परेशान खुद भी होगी और नेहा भी परेशान हो सकती है। लेकिन नेहा यह सुनकर फिर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं हम घर पर ही जाएंगे, वहीं पर मुझे रश्मि और प्रिया को उनके खिलौने भी देने हैं और उनको बताना है कि आज हमने कितना घुमा और कितनी मस्ती करी पापा, इसलिए हम वहीं पर ही जाएंगे। संतोष ने फिर कहा, हाँ ठीक है चलो पहले कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए और थोड़ा आगे जाकर अंदर एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा ही रहे थे और इधर उधर की बातें भी कर रहे थे कि तभी प्रीति को ऐसा महसूस हुआ कि उसके कान के पास कोई फुसफुस आ रहा है और अब उसको कान में फुसफुस आने की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। प्रीति के कान में कोई बोल रहा था, अगर तुमने नेहा को हमसे दूर करने की कोशिश करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए आना तो तुम्हें बंगले में ही होगा, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। और फिर डरते हुए प्रीति ने थोड़ा बगल में देखा तो उसके होश उड़ गए और उसके रगों में चलता खून जमस गया और उस भरे रेस्टोरेंट में प्रीति की चीख गूंजने लगी। प्रीति जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगी। संतोष भी उठकर प्रीति के पास दौड़कर गया और उसने उसे तुरंत थाम लिया। प्रीति डरते घबराते हुए यही बोल रही थी कि संतोष वो देखो वो दोनों लड़कियां टेबल पर बैठी है और वो कह रही थी कि अगर हमने नेहा को उनसे दूर किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, और कह रही थी अगर तुम लोग उस बंगले में आज नहीं गए तो फिर मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें बंगले में आना होगा। रोते हुए प्रीति यह सब बातें संतोष को बता रही थी और रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग प्रीति को बहुत अजीब ढंग से देख रहे थे। उसके बाद संतोष ने बिल पे करने के बाद नेहा और प्रीति का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट से तुरंत बाहर लेकर आ गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था क्या करें, क्योंकि अब उससे प्रीति की हालत देखी भी नहीं जा रही थी। अभी तक जो संतोष को प्रीति पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब संतोष सोच रहा था ऐसा क्या हो गया प्रीति के दिमाग पर। उसके बाद संतोष प्रीति और नेहा को लेकर एक बस में बैठ गया और वो लोग उसी जगह पर जाकर उतरे जहां संतोष का स्कूल था। अब टाइम भी बहुत हो गया था, घड़ी में लगभग रात के 8 या 8:30 बज रहे होंगे। प्रीति इस समय भी शायद उसी सदमे में थी
जो कुछ उसके साथ रेस्टोरेंट में हुआ, लेकिन इस बात से थोड़ा संतुष्ट थी कि कम से कम आज तो हमें उस बंगले पर नहीं रुकना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक वो भी डर था जो उसको उसके कान में सुनाई दिया था कि अगर नेहा को हमसे अलग किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यही सब बातें प्रीति के दिमाग में चल रही थीं। उसके बाद संतोष प्रीति और नेहा को बाहर ही रोककर सीधा जाकर स्कूल में उस गार्ड के पास गया और उसने जो वहां देखा तो मानो अब तो संतोष के भी होश उड़ गए और उसकी की रगों में चलता खून जम सा गया। इतनी देर से जो संतोष प्रीति को यह समझाने की कोशिश कर रहा था, यह कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारा वहम है और तुम्हारे दिमाग पर ही कोई गलत असर हुआ है। पर अब संतोष की भी आवाज हलक में ही अटक गई और वहां से डरता हुआ वापस पीछे की तरफ भागा जहां बाहर नेहा और प्रीति खड़े हुए थे, क्योंकि उसने जो वहां देखा था वो सब देखने के बाद संतोष को खुद अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। संतोष घबराता हुआ प्रीति से बोला, प्रीति चलो यहां से, चलो कहीं और चलते हैं। फिर प्रीति के बार बार पूछने पर संतोष ने बताया कि उसने देखा वो वहां गार्ड नहीं है और उसकी जगह एक औरत बैठी हुई है जिसका सर कटा हुआ है और उसका कटा हुआ सर सामने की टेबल पर रखा हुआ है और उस कटे हुए सर से आवाज आ रही थी कि भलाई इसी में है, अभी तुम लोग उसी बंगले में लौट जाओ, अभी लौट जाओ, बंगले में नहीं तो मारे जाओगे, अगर बचना है अभी उसी बंगले में चली जाओ। प्रीति ने जब सुना तो उसे समझ में आ गया था कि जो अब तक उसके साथ हो रहा था अब वो संतोष को भी महसूस होने लगा और संतोष को भी वो औरत दिखाई देने लगी। उसके बाद संतोष ने प्रीति का हाथ पकड़ा और प्रीति ने नेहा को गोद में उठा रखा था क्योंकि नेहा सो रही थी और उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। प्रीति और संतोष लगातार भाग रहे थे, भागते भागते दोनों बहुत थक चुके थे और प्रीति की दिल की धड़कनें भी बहुत तेज तेज धड़क रही थी क्योंकि प्रीति भागते भागते बहुत थक चुकी थी और हांफ रही थी। तभी प्रीति की नजर जो उसके साथ संतोष भाग रहा था उस पर पड़ी तो मानो प्रीति के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। उसके बाद प्रीति चीखने चिल्लाने लगी क्योंकि उसने देखा वो जिसके साथ हाथ पकड़कर भाग रही थी वो एक औरत थी कटे हुए सर वाली और वो वही औरत थी जिसको प्रीति ने कई बार देखा था। उसके बाद प्रीति ने एक झटके में हाथ छोड़ा और चीखते चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागने लगी। तभी प्रीति शायद किसी चीज से टकराई और वो जाकर बड़ी तेजी से सड़क पर गिरी। नेहा जो अभी तक सो रही थी तभी उसकी भी नींद खुली और वो यह सब देखकर रोने लगी। नेहा रो रही थी और प्रीति के पास ही बैठी हुई थी, पर प्रीति उस समय शायद बेहोश हो गई थी। तभी नेहा ने सुना कि उसकी मम्मी के पास में रखा फोन बज रहा है। नेहा ने तुरंत फोन बाहर निकाला तो उसको पता था कि शायद फोन उसके पापा का होगा, इसलिए उसने तुरंत फोन रिसीव करा और रोते हुए कहा, पापा कहां हो आप? दूसरी तरफ से संतोष ने कहा, नेहा कहां हो तुम लोग और तुम्हारी मम्मी कहां है? नेहा ने फिर बताया, मम्मी इधर गिरी हुई है, मम्मी के सर पर चोट लग गई है, मम्मी नहीं उठ रही है, पापा पापा जल्दी आओ, मम्मी नहीं उठ रही है। लगातार नेहा रोते हुए संतोष को फोन में बता रही थी। संतोष को यह तो पता नहीं था किस तरफ गए हैं और कहां पर है। नेहा और प्रीति संतोष ने कई बार नेहा से पूछने की कोशिश करी पर नेहा ने यही कहा, मम्मी यहां पर गिरी हुई है, मम्मी के चोट लगी हुई है, जल्दी आ जाओ। उसके बाद संतोष और उस स्कूल का गार्ड दोनों भागते हुए इधर उधर जा रहे थे। संतोष ने गार्ड को कहा कि तुम नीचे की तरफ जाओ और मैं ऊपर की तरफ देखता हूं। संतोष ऊपर राजपुर रोड की तरफ भाग रहा था और लगातार आवाज लगा रहा था, नेहा प्रीति, प्रीति नेहा प्रीति। तभी शायद नेहा ने अपने पापा की आवाज सुनी और वो भी वहीं से आवाज लगाने लगी, पापा पापा हम यहां पर हैं। संतोष ने शायद नेहा को देख लिया था क्योंकि सड़क पर ही प्रीति गिरी हुई थी और नेहा उसके साथ ही थी। उसके बाद संतोष भागता हुआ उनके पास गया और उसने कहा, क्या हुआ और तुम लोग यहां कैसे आए? नेहा ने कुछ नहीं बताया, बस वो रो रही थी। उसके बाद संतोष ने प्रीति को गोद में उठा लिया और उसी बेहोशी की हालत में लेकर स्कूल के पास ले गया। फिर संतोष ने प्रीति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो थोड़ी देर में प्रीति को होश आ गया और प्रीति होश में आते ही फिर रोने लगी और संतोष की तरफ देखते ही चिल्लाने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो, हमें, हमने क्या किया है, मत मारो, हमें छोड़ दो। संतोष ने फिर प्रीति को अपने सीने से चिपका लिया और चलाते हुए कहा, क्या हो गया है प्रीति, क्या कह रही हो तुम, मुझसे क्यों डर रही हो? लेकिन प्रीति की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और प्रीति मानो संतोष से ही डर रही थी, पर संतोष उसे अपने से बिल्कुल दूर नहीं होने दे रहा था। उसके बाद बहुत कोशिश और समझाने के बाद प्रीति ने शायद समझ लिया कि हां यही उसका संतोष है, तो उसने जो भी अभी उसके साथ हुआ वो सारी बात संतोष और जो वहां कार्ड था उसको बता दी।
ये सुनते ही संतोष के तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि संतोष तो गार्ड के साथ गार्ड रूम में ही था और वो उस रूम की चाबी ढूंढ रहे थे। और चाबी ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई और चाबी नहीं मिली, तो उसने बाहर निकलकर देखा तो प्रीति और नेहा कहीं नहीं थे। संतोष ने बताया कि उसने सोचा कि शायद आसपास ही कहीं होंगे, पर ढूंढने के बाद जब नहीं मिले तो उसने फोन किया और नेहा ने फोन उठाया। तब जाकर पता चला कि तुम लोग वो उधर राजपुर रोड की तरफ थे और तुम्हारे सर में चोट लगी थी, यह देखकर मैं तुमको उठाकर यहां लेकर आया। लेकिन प्रीति यह समझ चुकी थी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बहुत खतरनाक और अविश्वसनीय था। तभी स्कूल के गार्ड ने कहा, सर रूम की चाबी तो मिली नहीं, पता नहीं कहां गई और रात भी बहुत हो गई है। यहां बाहर ऐसे रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो भाभी जी की और ना ही नेहा की तबीयत ठीक है, इसलिए आप वहीं चले जाओ। पर अब तो शायद बस भी मिलना मुश्किल है, इसलिए कोई टैक्सी या ऑटो करना पड़ेगा। फिर संतोष ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि रात में यहां बाहर रुकना भी सही नहीं है। फिर संतोष अपने मन में ही सोचने लगा, प्रीति की हालत भी ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि उसके सिर में भी चोट लगी हुई है और वो फिर उस बंगले में जाने के नाम से और बेचैन ना हो जाए, यही सब वो सोच रहा था। लेकिन फिर भी संतोष ने प्रीति से बात करने की कोशिश करी और कहा, प्रीति हमको अभी उस बंगले में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। यहां रूम की चाबी भी नहीं मिली, सरकारी रूम है और उसका लॉक भी नहीं तोड़ा जा सकता, इस वजह से रात में यहां अब और रुकना भी सही नहीं है। प्रीति ने संतोष की सारी बात सुनी और उसने भी हां में सर हिला दिया। यह लोग करते भी और क्या, क्योंकि रात में और कहीं रुका भी नहीं जा सकता था, इसलिए बंगले में ही जाना सही समझा। उसके बाद संतोष ने आसपास में पता करके एक ऑटो ढूंढ लिया और तीनों ऑटो में बैठकर बंगले की तरफ चले गए। लगभग 10 या 15 मिनट में वो लोग उस बंगले पर भी पहुंच गए, लेकिन बंगले पर पहुंचते ही संतोष के होश उड़ गए, क्योंकि घर पर तो कोई नहीं था तो लाइट किसने ऑन करी। प्रीति से पूछा, क्या तुमने लाइट ऑन ऑफ करी थी क्या? लेकिन संतोष को राहत की सांस मिल गई, क्योंकि प्रीति ने कहा, जाते समय उसने ही सारी लाइट ऑन कर दी थी। संतोष, प्रीति और उनकी छोटी सी बेटी नेहा अब फिर से उसी बंगले पर थे, जिस बंगले में आने से ही प्रीति के साथ अजीब अजीब से हादसे हो रहे थे, और यहां आते ही प्रीति को एक अजीब सा डर लगने लगा। लेकिन संतोष उसे संभालता हुआ घर के अंदर ले गया और उसने कहा, प्रीति अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, हम जैसे तैसे आज की रात यहां बिता लेते हैं, कल हम कहीं और घर लेकर शिफ्ट हो जाएंगे, कल मैं बात करके स्कूल वाले रूम पर ही रुक जाएंगे, जब तक हमें शहर में और कहीं घर नहीं मिल जाता। प्रीति सब कुछ सुन रही थी, पर उसके मुंह से इस समय एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी नेहा, जो अभी तक ऑटो में बैठे बैठे सो रही थी, पर यहां आते ही उसकी भी नींद खुल गई और वो घर में पहुंचते ही संतोष का हाथ छुड़ाकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, पापा रुको, मैं रश्मि और प्रिया से मिलकर आ जाती हूं, उनसे मुझे बातें करनी है बहुत सारी, और उनको उनके खिलौने भी दूंगी जो हम लेकर आए हैं। पर संतोष ने प्यार से नेहा को पकड़ा और कह, बेटा हम थक गए हैं और आप भी थक गए हो, इतनी दूर से घूम कर आए हैं और मम्मी के चोट भी लग गई है, इसलिए अभी आराम कर लो, सो जाओ, कल सुबह दे देना ठीक है। लेकिन वो ऊपर जाने के लिए जिद करने लगी। फिर संतोष के बार बार मना करने पर और डांटने पर नेहा बेड पर ही सो गई और संतोष और प्रीति भी बिस्तर पर लेट गए, और लेटे लेटे दोनों को शायद नींद भी लग ही गई, वैसे भी थके हुए थे। पर आधी रात में प्रीति की आंखें फिर खुल गई और वो चौंकते हुए उठी, क्योंकि प्रीति को शायद महसूस हो रहा था कि उसके कान में कोई फुसफुस आ रहा है। उसने फिर उठकर देखा कि संतोष गहरी नींद में सो रहा है और नेहा भी सो रही है। फिर प्रीति ने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर टाइम देखा तो 12:30 हो रहे थे। संतोष सो रहा था और प्रीति की आंखें खुल गई थी। अब प्रीति को नींद आना भी बहुत मुश्किल सा लग रहा था और प्रीति के दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि जो संतोष के स्कूल के पास सड़क पर वो संतोष का हाथ पकड़कर भाग रही थी, पर अचानक वो हाथ संतोष ना होकर एक कटे सर वाली औरत का था। ये सब घटना घूम घूम के प्रीति के दिमाग में चल रही थी, पर प्रीति के दिल में एक ऐसी उम्मीद भी थी कि रात अब कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएगी, फिर हम कहीं और रहेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रीति यही सब सोच रही थी कि तभी उसके कान में फिर से किसी ने फुसफुस आया और अब की बार आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दी कि तुम यहां आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से, क्योंकि नेहा अब हमारी फ्रेंड है और अगर नेहा को तुमने हमसे अलग करने की कोशिश करी तो यह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ेगी, नेहा हमारे साथ ही रहेगी, अब नेहा को कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। यह सुनते ही एक झटके में प्रीति फिर उठकर बेड पर बैठ गई।
और रोते हुए ही हवे में ही बोलने लगी, हमने क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों का क्यों परेशान कर रहे हो? हमें क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? प्रीति के इतना ही बोलते ही उसी हवा में, या फिर कहो उस बेडरूम के अंदर, एक जानी पहचानी और डरावनी फिर वही हंसी की आवाज गूंजने लगी, जैसे मानो वो हंसने की आवाज प्रीति का मजाक उड़ा रही हो और उसको प्रीति को परेशान करने में शायद मजा आ रहा हो। हंसते हंसते वही आवाज अगले पल रोने में बदल गई और रोते रोते बोली, अगर तुमने नेहा को हमसे अलग करने की गलती करी, अंजाम बहुत भारी होगा। इतना बोलकर वो आवाज फिर शांत हो गई। उसके बाद प्रीति बेड पर बैठे बैठे रो ही रही थी और बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाले और हम जो यहाँ फंसे हुए हैं वो यहाँ से बाहर निकालने में मदद करें। काफी देर तक प्रीति बेड पर ही बैठी हुई थी, लेकिन अब उसे ना कोई आवाज सुनाई दे रही थी न कुछ, तो उसके बाद फिर वो चादर ओढ़ कर लेट गई। प्रीति को लेटे हुए 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि उसने देखा नेहा अपने बेड से उतरी और वी सीधा रूम खोलकर बाहर निकल गई। प्रीति ने संतोष को ना जगाते हुए उठी और नेहा के पीछे पीछे जाने लगी। नेहा भागते हुए पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सीढ़ी से ही भागते हुए सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर में चली गई। नेहा लगातार भाग रही थी और तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही उसने वहां पर एक कमरे का दरवाजा खोला और उस कमरे में नेहा ने अपने आप को बंद कर लिया। और प्रीति नेहा की पीछे ही पीछे भागते हुए आ रही थी और उसने ने देखा नेहा ने अपने आप को उस कमरे में बंद करने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। और प्रीति उस कमरे के पास में पहुंचते ही बाहर से ही नेहा को आवाज लगाने लगी, नेहा नेहा दरवाजा खोलो, नेहा नेहा दरवाजा खोलो। प्रीति लगातार नेहा को आवाज लगा रही थी और दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन नेहा को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अंदर से नेहा का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। प्रीति रोते हुए दरवाजा पीट रही थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि प्रीति के इतना आवाज लगाने और दरवाजा पीटने के बावजूद नेहा को सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? प्रीति पागलों की तरह अपने हाथ पैर जमीन पर पटक रही थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी अगले ही पल एकदम से उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही हल्का हल्का सा खुलने लगा और प्रीति अपनी नजरें गड़ाए दरवाजे को देख रही थी। और कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला वैसे ही प्रीति कमरे में जाने को हुई, तभी ऐसा लगा किसी ने प्रीति के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रीति के पैरों से ही उसे कमरे में खींच लिया और कोई उसे घसीटते हुए खींच रहा था कि तभी उसने प्रीति को एक झटके में उस कमरे के अंदर पटक दिया और दरवाजा अपने आप कमरे का बंद हो गया। कमरे में तो काफी अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी प्रीति को साफ साफ दिख रहा था कि उसके बगल में ही वो कटेसर वाली औरत खड़ी थी और उसके पास ही में यही कटेसर वाले उसके दो बच्चे खड़े थे जो प्रीति को कई बार दिखे थे। प्रीति घबराई हुई तो बहुत थी, लेकिन उसने वहां से उठकर भागने की जैसे ही कोशिश करी, तभी एकदम से प्रीति को पीछे से किसी ने हवा में ही उठा लिया और पंखे के पास ले जाकर एक झटके में ही जमीन पर छोड़ दिया। प्रीति बड़ी जोर फर्श पर गिरी और बड़ी जोर से उसकी चीख निकली। प्रीति दर्द से कराह रही थी, लेकिन तभी प्रीति की नजर ऊपर छत पर पड़ी तो उसकी चीख इतनी तेज निकली कि मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो, क्योंकि उसने देखा छत पर पंखे के बराबर में नेहा चिपकी हुई थी और नेहा का सर कटा हुआ था और नेहा का सर पंखे पर रखा हुआ घूम रहा था। और तभी नेहा के उसी कटे सर से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। यह सब देखकर प्रीति अब अपने काबू में नहीं थी और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी और तड़प रही थी, क्योंकि उसके सामने ही उसकी बेटी की ऐसी हालत अब उससे देखी नहीं जा रही थी। प्रीति जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने मार दिया मेरी नेहा को, आखिर क्यों मारा मेरी नेहा को? तुम लोगों ने क्या करा था मेरी नेहा ने? क्यों मार दिया तुमने नेहा को? प्रीति जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी, लेकिन पंखे पर जो नेहा का कटा हुआ सर घूम रहा था उस सर से आवाज आने लगी। पहले तो हंसने की आवाज आ रही थी, पर अब नेहा का कटा हुआ सर बोल रहा था, मम्मी बताया तो था रश्मि और प्रिया मेरी फ्रेंड हैं और अब मैं इनके पास आ गई हूँ, अब हम सब एक साथ रहेंगे, मुझे मारा नहीं है, रश्मि और प्रिया ने मुझे अपने साथ मिला लिया है, अब हम उन सबको मार देंगे जो यहां पर आएगा। यह सब देखकर अब प्रीति के मुंह से शब्द भी जल्दी निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसी की बेटी उसके सामने दो टुकड़े में थी, उसका धड़ अलग था और सर अलग पंखे पर रखा हुआ बोल रहा था। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी नेहा का कटा हुआ सर फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोल रहा था, अब हम सबको मार देंगे जो इस बंगले में आएगा, सबको मार देंगे, क्योंकि यह बंगला रश्मि और प्रिया लोगों का है और अब मैं भी इनके साथ ही हूं। इतना बोलते ही नेहा का सर एकदम से आकर प्रीति के ऊपर गिरा
और प्रीति के हलक से एक बहुत जोरदार चीख निकली। और तभी प्रीति की आंखें खुली तो उसने देखा वो तो अभी भी अपने बेड पर ही लेटी हुई थी। और तभी उसके चीखने की वजह से संतोष की आंख खुल गई और संतोष ने उठते ही प्रीति से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चीखी, क्यों, क्या हो गया? उसके बाद प्रीति ने रोते हुए संतोष से कहा, नेहा कहां है? फिर संतोष ने कहा, अरे ये तुम्हारे बगल में ही तो लेटी है। प्रीति ने जैसे ही नेहा को देखा तो उसने उसको अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। प्रीति नेहा को अपने सीने से चिपकाकर ऐसे रो रही थी जैसे वो नेहा से बड़े दिनों बाद मिली हो। उसके बाद संतोष ने प्रीति से कहा, क्या हो गया प्रीति? फिर प्रीति ने जो सपना देखा था वो सब संतोष को बता दिया। उसके बाद संतोष ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रीति तुम यह सब बातों को सोचना बंद कर दो, यह सब बातें तुम अभी अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। यह रात तो आज बिता लो, कल हम किसी भी हालत में दूसरा घर ढूंढ लेंगे, फिर वहां जाकर रहेंगे। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी बहुत रात हो रही है, तुम सो जाओ। उसके बाद प्रीति चादर ओढ़ कर लेट गई, लेकिन वो भगवान से लाख लाख शुक्र मना रही थी कि वो बस एक सपना ही था जो उसने देखा था। पर उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसने वो सपना देखा था, लेकिन जो भी था, चलो कम से कम वो सपना तो था, इस बात का उसे थोड़ा सुकून था। और अभी प्रीति को लेटे हुए लगभग अभी 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी उसके कानों में एक आवाज आने लगी। इस बार आवाज थोड़ी जोर जोर से आ रही थी और वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी औरत की आवाज बोल रही थी, जो अभी तुमने सपने में देखा है वो हकीकत में हो जाएगा। अगर तुमने यह बंगला अपनी मर्जी से छोड़ने की कोशिश करी और नेहा को हम लोगों से अलग करने की कोशिश करी। यह आवाज सुनते ही प्रीति फिर उठकर बैठ गई और उसने संतोष को कहा, संतोष तुमने कुछ सुना? फिर संतोष ने कहा, क्या सुना, कैसी बात कर रही हो? फिर प्रीति ने कहा, अभी जो आवाज आई थी। फिर संतोष ने कहा, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं सुनाई थी। फिर प्रीति ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार आवाज तो बहुत जोर जोर से आ रही थी। लेकिन संतोष ने प्रीति को कहा, अरे ये कोई वहम है तुम्हारा, क्योंकि मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। और अब तुम सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। उसके बाद प्रीति फिर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि एक तो वो बुरा भयानक सपना और दूसरा वो जो उसको अभी आवाज आई थी, यह सब बातें हैं। उसके दिमाग में चल रही थी कि काश हम यहां आए ही नहीं होते। जो सब प्रीति के साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था वही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। और यही सब सोचते सोचते जैसे तैसे उस रात तो उसकी आंख फिर से लगी है और वो सो गई। और फोन की घंटी बचने की वजह से जब प्रीति की आंख खुली तो उसने देखा कि अब उजाला हो गया था। और सामने घड़ी पर उसने समय देखा तो सुबह 8:30 बज रहे थे। और फोन संतोष के स्कूल से प्रिंसिपल ने क्या हुआ था। संतोष ने फोन जैसे ही रिसीव करा तो दूसरी तरफ से प्रिंसिपल की आवाज आई। प्रिंसिपल ने कहा, संतोष सर तुम आज भी स्कूल नहीं आ रहे हो क्या? फिर संतोष ने प्रिंसिपल को यह कहकर मना कर दिया कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो 4 या 5 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता। फिर प्रिंसिपल ने भी संतोष को कहा, चलो कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, दवाई वगैरह ले लेना और जब ठीक लगे तब आ जाना, कोई बात नहीं। उसके बाद संतोष ने प्रीति और नेहा दोनों को उठाया और कहा, देख लो अब आज कितनी देर हो गई है। फिर प्रीति ने कहा, कल हम देर से घर लौटे और कल मेरी रात में कई बार आंख खुली, इस वजह से आज बहुत लेट हो गई। फिर संतोष ने कहा, चलो अब उठ जाओ। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए प्रीति से कहा, तुम जब तक उठो और फ्रेश हो जाओ मैं बाहर दुकान से चाय बनाने के लिए दूध वगैरह ले आता हूं। उसके बाद आज हमें और कहीं भी घर देखना है और जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिलता तब तक हम आज से ही अपना सामान वगैरह लेकर स्कूल के उस सरकारी रूम में ही शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए जल्दी उठ जाओ। इतना कहकर संतोष घर से बाहर रोड पर दुकान में चला गया दूध लेने के लिए। और जब संतोष वहां से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसने देखा एक साधु बाबा उनके गेट पर खड़े होकर लगातार उस बंगले के अंदर ही देख रहे थे। संतोष ने भी थोड़ी देर तक वहीं पर खड़े होकर उस बाबा को देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कुछ अजीब ही हरकत कर रहे थे। उसके बाद संतोष बाबा के पास गया और उसने कहा, हाँ बाबा क्या हुआ, क्या देख रहे हो अंदर? फिर बाबा ने संतोष की तरफ देखा और कहा, जो मैं देख रहा वो तुझे भी पता है, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है, बहुत खतरा है, यहाँ सबकी जान खतरे में है, बचाना होगा सबको। संतोष को उनकी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए फिर संतोष ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो बाबा,
किसको बचाना होगा और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, चलो हटो, आगे से अंदर जाने दो। लेकिन साधु बाबा ने फिर संतोष को कहा, जानकर भी इतना जान मत बनो, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुमको। अगर तुम खुद को और अपने बीवी बच्चों को बचाना चाहते हो तो इस संकट से तुम्हें बाहर आना ही होगा, क्योंकि तुम सब एक बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। तुम इस बंगले में अपनी इच्छा से आ तो गए हो, लेकिन अपनी इच्छा से शायद जा नहीं पाओगे। संतोष, पहले तो ऐसी किसी भी बातों पर और ऐसे किसी बाबाओं पर कभी भरोसा नहीं होता था, पर यहां आने के बाद जो सब उसकी बीवी और बेटी के साथ हो रहा था वो सब अब संतोष को बातों को मानने पर मजबूर कर रहे थे। उसके बाद संतोष ने तुरंत भागते हुए बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, आपको कैसे पता कि हम इस बुरे संकट में फंसे हुए हैं, और बाबा अब कैसे बचेंगे हम इस बुरे दौर से? फिर उन साधु बाबा ने बस एक ही बात कही, सबकी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, उस पर भरोसा रखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, चलो अभी देखते हैं। उसके बाद संतोष बाबा को अपने साथ ही उस बंगले के अंदर ले गया। संतोष और बाबा जैसे बंगले के अंदर जा रहे थे, वैसे ही ऐसे लग रहा था जैसे बंगले के अंदर मानो किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी हो। यह सब आवाज सुनकर संतोष बहुत डर गया। उसके बाद संतोष घर के अंदर भागने लगा, आवाज लगाने लगा, प्रीति नेहा प्रीति ठीक हो तुम? लेकिन तभी बाबा ने संतोष को पीछे से तुरंत पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम्हारी बीवी और बच्चे बिल्कुल ठीक है, ये आवाज उनकी नहीं है, ये आवाज तो उनकी है जिनका यह बंगला है, जिनका यह घर है। फिर संतोष ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब किसका घर है किसका बंगला है? फिर बाबा ने कहा, चलो अभी थोड़ी देर में बताता हूं, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाबा ने इतना कहा, उसके बाद बाबा और संतोष घर के अंदर बरांडे में आ गए। बाबा के वहां पहुंचते ही चीखने और चिल्लाने की आवाज बहुत ज्यादा होने लगी। इससे पहले यह आवाजें संतोष को नहीं सुनाई देती थी, बस प्रीति ही संतोष को बताती थी इन आवाजों के बारे में। लेकिन जब आज बाबा को लेकर संतोष घर के अंदर यहां पर आया, तब से उसे भी यह सब आवाजें सुनाई दे रही थी। संतोष और बाबा के वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद वहां प्रीति और नेहा भी आ गए। उनके वहां आते ही संतोष ने प्रीति को बताया कि प्रीति, ये बाबा जी मुझे बाहर मिले थे और ये हमको इस घर में हो रही सभी समस्या से बचाने के लिए ही यहां पर आए हैं, और बाबा को सब पता है यहां जो हो रहा है। यह सुनकर प्रीति रोने लगी और उसने तुरंत बाबा के पैर पकड़ लिया और फिर उसने कहे, बाबा आप बचा लो हमें और हमारी बच्ची को, क्योंकि जब से मैं इस बंगले में आई हूं तब से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। यहां कोई है जो कहता है कि यह बंगला हमारा है और यहां कोई नहीं रह सकता, यहां जो आता है वो फिर जिंदा वापस नहीं जाता, और बाबा वो सब कहते हैं कि नेहा उनकी अब दोस्त है और अगर हम लोग उनको नेहा से अलग करेंगे तो वो हम सबको मार देंगे। फिर बाबा ने प्रीति और संतोष नेहा तीनों को देखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये जो बंगला है ये उन्हीं लोगों का है। आज से 25 साल पहले संगीता और उसकी दो बेटियां रश्मि और प्रिया यहां रहा करते थे, वो तीनों बहुत खुश रहते थे। रश्मि और प्रिया इस पूरे बंगले में ऊपर नीचे खेला करते थे क्योंकि उनका ही घर था। कुछ साल पहले उनके पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से संगीता ही अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती और यहीं पर अपने बंगले में रहती थी। संगीता के पास कोई काम वगैरह नहीं था, इसलिए उसने नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड फ्लोर का हिस्सा किराए पर दे रखा था। किराया भी अच्छा खासा मिल जाता था जिससे संगीता का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जिसको संगीता ने अपना बंगला किराए पर दिया हुआ था वो किराया नहीं दे रहा था, और उसने कुछ कानूनी कार्रवाई करके वो बंगला अपने नाम करवा लिया था और उसको और उसके बच्चों को इस बंगले से निकलने के लिए कहने लगा। लेकिन संगीता ने भी कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि यह हमारा घर है। लेकिन संजय ने उस बंगले पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया और उसने संगीता से कहा कि बस 3 दिन के अंदर तुम यह घर खाली करके चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन संगीता अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर कहां जाती, क्योंकि वो हमेशा से इसी घर में थे, और जिसको उसने घर किराए पर दिया था आज वो बेईमानी करके उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल रहा था। संजय प्रसाद को जब यह यकीन हो गया कि ऐसे तो संगीता यहां से नहीं जाएगी, इसका कुछ करना ही होगा, तो उसने एक दिन रात में लगभग 11 या 11:30 बजे, तभी जब संगीता और उसके बच्चे सो रहे थे, वो सब तीसरे फ्लोर पर ही रहते थे, संजय ने एक प्लान बनाया कि आज ही इनका काम तमाम कर देने के लिए। संजय प्रसाद अपने हाथों में एक तेज धार वाला औजार लिए हुए तीसरे फ्लोर के बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहा था। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर संगीता ने अंदर से ही कहा, कौन? फिर बाहर से संजय ने कहा,
एक मिनट के लिए दरवाजा खोलना थोड़ा काम है। इन सब मंसूबों से बेखबर संगीता ने जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही संजय प्रशांत ने अपने हाथों में जो औजार लिया हुआ था उससे लगातार संगीता की गर्दन पर चलाना शुरू कर दिया, जिससे फिर तुरंत संगीता की गर्दन कट गई। लेकिन गर्दन कटने से पहले ही, यानी मरने से पहले, संगीता ने कहा था कि तू जिस लालच की वजह से मुझे मार रहा है वो तेरा मंसूबा कभी नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि यह बंगला हमारा ही है और यहां कोई नहीं रह सकता। तू मुझे मार देगा लेकिन बाद में तू भी मारा जाएगा और मेरा श्राप है। यह आखिरी आवाज ही थी संगीता की, क्योंकि उसके बाद उसकी गर्दन कट चुकी थी और पूरे बेडरूम में खून ही खून हो गया था। उसके बाद उसके चीखने की वजह से उसके दोनों बच्चे भी जग चुके थे और उन्होंने देख लिया था कि उनकी मम्मी की हत्या कर दी है संजय ने। उसके बाद संजय ने रश्मि और प्रिया की भी उसी हथियार से उसी समय गर्दन धड़ से अलग कर दी। एक साथ तीन लोगों की हत्या करने के बाद उसने उन तीनों की आधी कटी लाश पास के ही साल जंगल में डाल दी। उसके बाद उनकी लाशों को तो जंगली जानवर खा गए और कानूनी रूप से भी संजय ने इस घर को अपना कर ही लिया था, इसलिए पुलिस ने भी कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। लेकिन यह भी है कि उस घटना के एक हफ्ते बाद ही पहले संजय प्रसाद, फिर धीरे धीरे जो भी उसके परिवार के लोग यहाँ रहते थे, बीवी बच्चे सबकी मौत हो गई है। और उसके बाद यह बंगला बंद रहता था, लेकिन संजय प्रसाद के भाई मनोज प्रसाद ने इस बंगले को किराए पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जिस भी व्यक्ति को उसने यह बंगला किराए पर दिया, उस व्यक्ति की 5 से 6 दिन के अंदर ही मौत हो गई। बाबा ये सारी बातें बता ही रहे थे कि, लेकिन यह सब बताते बताते ही अचानक से उस बाबा की आवाज बदल गई और डरावनी, खतरनाक और भयानक आवाज में बाबा बोलने लगे, और अब तुम सबकी बारी है, तुम भी मारे जाओगे, अब तुम भी मरोगे। बाबा ने इतना ही बोला होगा। प्रीति और संतोष ने उस बाबा के चेहरे की तरफ देखा तो दोनों के होश उड़ गए और दोनों की रगों में चलता खून फिर जम गया और बस प्रीति के मुंह से एक चीख निकल कर रह गई, क्योंकि संतोष जिस बाबा को अपने साथ लेकर आया था, देखते ही देखते अब वो बाबा उसी कटे हुए सर वाली औरत में बदल गया। और फिर उसके बाद देखते देखते उस ड्राइंग रूम में डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी, फिर हंसते हंसते अब बोल रही थी कि बस आज तुम लोग मारे जाओगे, अब नहीं बचेगा कोई। तुम यहां अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन अपनी मर्जी से जिंदा नहीं जा सकते, क्योंकि यह बंगला सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इस बंगले में अगर और कोई यहां रहने की कोशिश भी करेगा तो बस वो मारा जाएगा। इतना बोलने के बाद उसी कटे सर वाली औरत ने संतोष को हवा में ही उठा लिया। संतोष चीख चिल्ला रहा था और रहम की भीख मांग रहा था, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। नेहा और प्रीति भी रो रहे थे, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। संतोष को उसने हवा में ही उठाया हुआ था और पूरे हॉल में उस कटे सर वाली औरत के हंसने की आवाज गूंज रही थी और वो कह रही थी, सबको मार देंगे, हम अब कोई नहीं बचेगा। उसके बाद हवा में ही उठाते हुए संतोष को वो सिर कटी औरत ऊपर ही ऊपर, तीसरे फ्लोर के ऊपर छत पर लेकर चली गई। प्रीति और नेहा भी सीढ़ी से भागते हुए तीसरे फ्लोर की छत पर चले गए। संतोष चीख चिल्ला रहा था, छोड़ दो, छोड़ दो। तभी उस सर कटी औरत ने संतोष को उस तीसरी मंजिल की छत से नीचे सड़क पर ऊपर से ही छोड़ दिया और उसके साथ संतोष की फिर वो एक आखिरी जोरदार चीख निकल गई। यह देखकर प्रीति और नेहा दोनों ही बहुत जोर जोर से रोने लगे और उसके तुरंत वहां प्रीति नेहा को लेकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगी, नीचे सड़क पर जाने के लिए। वो सीढ़ियों से लगातार नीचे उतर रही थी और उसने नेहा को गोद में उठाए हुए थी, लेकिन तभी किसी ने प्रीति को उसके पैरों को ही पकड़ के ऊपर हवा में उठा लिया और तभी उसकी गोद से नेहा वहीं सीढ़ियों पर गिर गई। और उसके बाद वो सर कटी औरत प्रीति को भी बंगले के छत पर ले गई, फिर उसने प्रीति को भी उस बंगले से नीचे फेंक दिया। उसके बाद प्रीति की जोरदार तड़पने और चीखने की आवाज पूरे में गूंज गई, पर प्रीति शायद काफी देर तक तड़पती रही और चिल्लाती रही, लेकिन उधर पीछे की तरफ कोई ज्यादा आता जाता नहीं, इसलिए किसी की नजर नहीं पड़ी और प्रीति ने भी वहीं अपना दम तोड़ दिया। पर नेहा अभी भी वहीं पर थी और रो रही थी। पर कुछ देर बाद लोगों ने सड़क की तरफ पीछे 2 डेड बॉडी पड़ी हुई देखी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन करा। उसके बाद पुलिस ने वहां आकर जांच पड़ताल करी और लोगों ने भी बताया कि यह दोनों अभी इसी बंगले में नए आए थे। उसके बाद पुलिस ने मकान मालिक मनोज प्रसाद को बुलाकर फिर उन्होंने बंगले के अंदर देखा तो वहां अंदर एक छोटी बच्ची यानी नेहा की भी लाश सीढ़ियों पर ही पड़ी हुई थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि नेहा का तो सर कटा हुआ था, यानी उस सर कटी हुई औरत ने संतोष और प्रीति को उस बंगले से बाहर फेंक दिया और नेहा को अपने साथ ही रख लिया, क्योंकि नेहा उनकी फ्रेंड थी।
उसके बाद संतोष और प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनकी मौत काफी ऊपर से गिरने से हुई है और नेहा की मौत गला काटने की वजह से हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 2 साल तक वो बंगला बंद था, पर अब फिर से उस बंगले के मालिक ने अखबार में उस बंगले का एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी भूत बंगले की डरावनी कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आई तो लाइक भी कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।